Hello everyone, welcome to Sumit's tutorial. Today I will discuss topic phylum Ascalmanthes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी तक कौन कौन सी फाइलम हो गई? फाइलम पोलीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस. तो फाइलम पोलीफेरा में ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो रही थी? सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी. फाइलम नाइडेरिया में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी. फाइलम टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. एंड फाइलम एस्कैल्मेंथेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. ये एनिमल किंगडम की फर्स्ट फाइलम है जिनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, इनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होती है. ओके, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, सेक्स आर सेपरेट डायोसियस. इनकी जो सेक्स होती है वो सेपरेट होती है. मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से डायोसियस कहते हैं इन्हें. एंड थर्ड, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट फॉर्म होता है इनमें. ठीक है, तो एनिमल किंगडम की फर्स्ट फाइलम है जिनमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट डेवलप हो जाती है. ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड सेक्स आर सेपरेट डायोसियस. ओके, तो ये जो थर्ड थ्री कैरेक्टर्स हैं ये क्या बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जो माउथ एंड एनस क्या होंगे, दो अलग अलग होंगे. माउथ और एनस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, टू ओपनिंग होगी. ओके, इसीलिए क्या कहते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. ओके, तो चलिए पहले एनसीईआरटी से देखते हैं. फाइलम एस्कैल्मेंथेस, द बॉडी ऑफ एस्कैल्मेंथेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म. ये जो एस्कैल्मेंथेस है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होती है इनकी बॉडी, इन्हें राउंड वर्म कहते हैं. दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल. फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं प्लांट और एनिमल्स में. राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक. राउंड वर्म क्या होती है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनिमल किंगडम की फर्स्ट फाइलम है जिनमें क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होती है. ओके, एंड दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन. That is known as bilaterally symmetrical. Okay? And triploblastic organisms होते हैं. Triploblastic means ये सब कुछ मैंने previous lecture में बताया हुआ है. ठीक है, phylum Porifera, phylum Cnidaria, ये सारी point को मैंने बताया हुआ है. थ्री जर्म लेयर होती है, आउटर इक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म एंड जो मिडिल लेयर होती है वो क्या होती है, मेसोडर्म होती है. ओके, एंड सीडोसिलोम एनिमल्स, ये जो होते हैं फाइलम एस्कैल्मेंथेस सीडोसिलोम एनिमल्स होते हैं. ओके, सीडोसिलोम एनिमल मीन्स फॉल्स सिलोम. इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो होती है बट इनके जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इनके चारों तरफ क्या होती है, मसल नहीं होती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, इनमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेयरिंग. ये जो पॉइंट है, इनके फेयरिंग में क्या होती है, बस मसल पाई जाती है. इनके फेयरिंग के दोनों तरफ क्या होती है, मसल होती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इन्हें मस्कुलर फेयरिंग्स डेवलप हो जाती है. इसे मस्कुलर फेयरिंग कहते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेयरिंग. इनके पूरे बॉडी में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ क्या होगी, मसल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फेयरिंग के दोनों तरफ क्या होगी, मसल होगी, जिसकी वजह से क्या इन्हें सीडोसिलोम एनिमल कहते हैं. ओके, एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रेटरी पोर. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स आर सेपरेट डायोसियस एंड मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट. तो सेक्स आर सेपरेट होते हैं जिसकी वजह से इन्हें डायोसियस कहते हैं. ओके, एंड मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं. ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल.
फीमेल जो होती है मेल के कंपैरिजन में क्या होती है, लॉन्गर होती है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट. द यंग ऑन रिसेम्बल द एडल्ट और इनडायरेक्ट. जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट क्या होती है डायरेक्ट भी होती है एंड इनडायरेक्ट भी होती है. इसके एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, हुजेरिया, फिलेरिया वॉर्म एंड ग्लाइस्टोम. तब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लें. जनरल कैरेक्टर्स, फर्स्ट मोस्टली एक्वाटिक फ्री लिविंग और पैरासिटिक, सेकेंड यूजुअली स्मॉल इवन माइक्रोस्कोपिक, थर्ड बॉडी सिलेंडर वर्मीफॉर्म, अनसेगमेंटेड फ्लैट और सिलेंड्रिकल, फोर्थ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ बॉडी कैविटी इज सीडोसिलोम एंड सिक्स डाइजेस्टिव कैनाल कंप्लीट, सेवन नो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एट मोस्टली डायोसियोस, फीमेल यूजुअली लार्जर दैन मेल, थर्ड डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट एंड टेंथ एग्जाम्पल एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, हुजेरिया, फिलेरिया वॉर्म एंड क्लाइस्टोमा हुक वॉर्म. ओके, तो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसमें फाइलम एनिलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा एंड फाइलम मोलस्का तीनों टॉपिक होगी. ओके, तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले. ओके, एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है. फर्स्ट, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज वीडियो मेरे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट की है, तो ये चैप्टर जब कम्प्लीट हो जाएगी तो उसके नेक्स्ट डे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी. ठीक है, क्वेश्चन अपलोड करूंगी, आपको उसको बनाना है एंड उसको क्या करना है, उसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में डाल देनी है. ओके, एंड थर्ड, हाउ टू लर्न एंड इम्प्रूव बायोलॉजी. आप अपने बायोलॉजी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है. ठीक है, ये सारी टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ. ठीक है, एंड फोर्थ ट्रिक, बहुत सारे बायोलॉजी में ऐसे भी पॉइंट है जिसको मैं ट्रिक से बताऊंगी. ठीक है, एंड फिफ्थ, मोटिवेटेड वीडियो भी अपलोड होगी ताकि आप अपने पढ़ाई को सही तरीके से कर पाएं एंड मोटिवेटेड रहें. ओके, तो गाइस आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, आपकी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगी. ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.